आइए स्पर्श हिमालय में आपको ले चलते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। केंद्र शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वन व पर्यावरण मंत्री को प्रस्ताव भेजा है स्पर्श गंगा अभियान के तहत हिमालयी जल संपदा को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हिमालयी क्षेत्र के वनों को दावानल से होने वाले नुकसान से जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जंगलों को आग से बचाना जरूरी हो गया है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व स्तर पर जल संकट की स्थिति पैदा होने को है। ऐसे में हिमालय की सदा नीरा स्पर्श गंगाओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और ठोस पहल जरूरी हो गई है। क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत और हिमनद ही गंगा और उसकी सहायक नदियों व उनकी स्पर्श गंगाओं के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में सहायक हैं। स्पर्श गंगा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर जोशी ने बताया कि उत्तराखंड ही नहीं अपितु समूचे हिमालय क्षेत्र के वनों को सबसे अधिक क्षति आग लगने से हुई है। दावाग्नि से इस हिमालय क्षेत्र की जैव संपदा, पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं का समूल अस्तित्व ही मिटता जा रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए स्पर्श गंगा टीम हिमालयी वनों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ कार्य करना चाहता है, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा न हुआ तो अपूर्णीय पर्यावरणीय क्षति हो जाएगी।